प्रश्नावली 7.5 में दिया है कि हल कीजिए। इसमें 7 टोटल प्रश्न है। इस एक नंबर प्रश्न में इसमें भिन्न का जोड़ और घटाव बनाना है, ठीक है। इसमें टोटल इस 7 तक संख्या में भिन्न का जोड़ घटाव ही बनाने को दिया है। देखिए, एक नंबर सवाल हम देखते हैं, एक का ए नंबर दिया है 1/8 + 1/18, इसको हम भिन्न का जोड़ बनाएंगे, ठीक है। देखिए यहाँ पे हम लिखे हैं इसको 1/8 + 1/18, इसको हम कैसे बनाएंगे। देखिए, सबसे पहले इसको हम 8 और 18 का एलसीएम निकालते हैं। 8 और 18 का एलसीएम पहले 2 से कटाएंगे, 2 9 2 4 8 और 2 9 18, 4 9 कटेगा नहीं, तो इसको हम गुणा कर लेंगे। 2 × 4 × 9, 2 4 8, 8 9 72। देखिए 72 यहाँ पर हम इसका एलसीएम लिख लिए, तो यदि इसको हम कटाएंगे, भाग देंगे 72 में 8 से भाग देंगे, तो 8 9 72 9 बार में कटेगा, और 9 जो संख्या है वो ऊपर वाली संख्या से गुणा हो जाता है, यानी 9 में 1 से गुणा करेंगे तो 9 1 9। और प्लस का चिन्ह है, प्लस का चिन्ह दे दिए। 72 में फिर नीचे वाली संख्या 18 से भाग देंगे, तो 18 4 72, 4 बार में कट गया। अब 4 में ऊपर वाली संख्या जो 1 है इसमें गुणा कर देंगे, 4 में 1 से गुणा कर देंगे, तो 4 1 4। अब देखिए इसको जोड़ देंगे, 9 और 4 13, 13/72। यदि कटने वाला हो तो इसको कटा देंगे, नहीं तो इसका ऐसा ही आंसर हो जाएगा। देखिए, जैसे बी नंबर में दिया है कि 1 − 2/3, और इसके क्वेश्चन में दिया है कि 1 = 3/3, यानी 3/3 को यदि हम कटाएंगे तो 1 आएगा, ठीक है। तो जैसे देखिए, इसको हम 2 तरह से बना सकते हैं। 3 में यदि 1 से गुणा करेंगे तो 3 1 3, माइनस है तो माइनस दे दिए, यहाँ पे 2 है 2 दे दिए, और इसके बटे में कितना है 3, तो यदि हम घटाएंगे 3 में से 2 घटाएंगे तो 1 आएगा, तो 1/3 ये हमारा आंसर हो जाएगा। फिर यदि इसको हम बनाएंगे कि 3/3 = 1 दिया है, तो 1 की जगह पर हम यहाँ पर लिख देते हैं 3/3, यदि इसको कटाएंगे तो 1 ही आएगा, माइनस दिया है माइनस दे दिए, 2/3 लिख दिए। अब देखिए, हर एक समान है, 3 3 1 समान है, तो इसको एलसीएम करने की ज़रूरत नहीं है, यहाँ पे 3 लिख देंगे, और 3 में 3 से भाग देंगे तो 1 होगा, 1 में ऊपर वाली संख्या 3 से गुणा करेंगे तो 3 होगा, माइनस का चिन्ह है, माइनस का चिन्ह दे दिए, ठीक है। 3 में 3 से भाग देंगे तो 1 बार में कटेगा, और 1 में ऊपर वाली संख्या 2 से गुणा करेंगे तो 2 होगा, 3 में से 2 घटाएंगे 1 होगा, 1/3, तो यही हमारा आंसर हो जाएगा, ठीक है। चलिए सी नंबर देखते हैं। देखिए, 1/4 + 0/4 दिया है, तो 4 4 का एलसीएम हम निकालेंगे, तो एलसीएम कितना होगा, 4 ही होगा। जैसे यहाँ पे हम बना कर देख लेते हैं, 4 और 4, 2 से कटाएंगे सबसे छोटी संख्या से, 2 2 4, 2 2 4, फिर 2 से कटाएंगे, 2 2 कट जाएगा, 2 1 2, 2 1 2। अब इसको गुणा कर देंगे, 2 × 2, 1 में 1 से गुणा करेंगे तो उतना ही होगा, 2 2 4, 4 यहाँ पर हम लिख दिए एलसीएम के रूप में। 4 में 4 से भाग देंगे तो 1 होगा, 1 में 1 से गुणा करेंगे तो 1, प्लस का चिन्ह है, प्लस का चिन्ह दे दिए। 4 में 4 से भाग देंगे 1 होगा, और 1 में ऊपर वाली संख्या 0 से गुणा करेंगे तो 0 होगा, 1 में यदि हम 0 0 जुड़ेंगे तो 1 ही होगा, और बटे में इसके 4 है तो 4 यहाँ पर लिख दिए, यानी 1/4, तो यही हमारा आंसर हो जाएगा। डी नंबर सवाल देखते हैं। डी नंबर में दिया है कि 3 − 12/5, तो यहाँ पर हम लिखते हैं 3 − 12/5। देखिए, इसको हम बनाएंगे, यदि यहाँ पर कुछ नहीं है नीचे में तो 1 1 यहाँ पर हम लिख देंगे, या ऐसे भी हम बना सकते हैं, 5 दिया है, 15 − 12 दिया है, और बटे में 5 दिया है, तो 15 में से 12 घटाएंगे तो 3 होगा, और इसके बटे में 5 ही हमारा आंसर हो जाएगा, ठीक है। और यदि इसको हम 1 देकर यहाँ पे बनाएंगे तो 5 हमारा एलसीएम हो जाएगा, और 1 में 5 से भाग देंगे तो 5 होगा, और 5 में 3 से गुणा करेंगे तो 5 दिया 15 होगा, माइनस है माइनस दे दिए। 5 में 5 से भाग देंगे तो 1 बार में कटेगा, और 1 में 12 से गुणा करेंगे 12 होगा, 15 में से 12 घटाएंगे तो 3 आएगा, और 1/5 में हमारा 5 है, तो 3/5 हो जाएगा, ठीक है। चलिए डी तक हो गया। ई नंबर सवाल देखते हैं। देखिए, ई नंबर सवाल बनाएंगे, 2/3 + 1/7 है, 3 7 के एलसीएम ले लेते हैं,
तीन और सात जो संख्या है वो अलग अलग है। देखिए तीन और सात कटने वाला नहीं है। एलसीएम का मतलब होता है कि दोनों संख्या कट जाए, किसी एक संख्या से दोनों कट जाए। तो यदि हम तीन से इसको कटाते हैं तो तीन सिर्फ कटेगा, सात नहीं कटेगा। यदि सात से कटाएंगे तो सात कटेगा, तीन नहीं कटेगा। तो इसको गुणा कर लेते हैं, तीन सत्ते इक्कीस, और इक्कीस में यदि हम तीन से भाग देंगे तो सात बार वो कट जाएगा, तीन सत्ते इक्कीस। अब सात में ऊपर वाली संख्या दो से गुणा कर देंगे तो सात दूना चौदह, चौदह यहाँ पर हम लिख दिए, प्लस का चिन्ह है, प्लस का चिन्ह दे दिए, ठीक है। अब इक्कीस में यदि हम सात से भाग देंगे तो तीन बार में कट जाएगा। अब तीन में ऊपर वाली संख्या एक से गुणा करेंगे तो तीन एक हम तीन, ठीक है। चौदह और तीन कितना होता है, सत्रह, सत्रह बटा इक्कीस, यही हमारा आंसर हो जाएगा, ठीक है। चलिए आगे सवाल देखते हैं। एफ नंबर चार बटा तीन माइनस एक बटा दो, तो तीन और दो का यदि हम एलसीएम निकालेंगे तो तीन दूना छः हो जाएगा, छः में यदि तीन से भाग देंगे तो दो होगा, दो बार में कट जाएगा। दो चौके आठ, माइनस का चिन्ह है, माइनस का चिन्ह दे देंगे। छः में यदि हम दो से भाग देंगे तो तीन बार में कट जाएगा, दो तिया छः। तीन ऊपर वाली संख्या एक से गुणा कर देंगे तो तीन एकम तीन, तीन एकम तीन, आठ में से यदि हम तीन घटाएंगे तो पाँच होगा और बटे में छः है तो यहाँ पे छः हो जाएगा, तो पाँच बटे छः हमारा आंसर हो जाएगा, ठीक है। देखिए जी नंबर दिया है, तीन और तीन दोनों एक समान है तो यहाँ पे हम तीन एलसीएम लिख देंगे। तीन में तीन से भाग देंगे एक होगा, एक में चार से गुणा करेंगे चार होगा, प्लस का चिन्ह है, प्लस का चिन्ह यहाँ पर हम लिख देंगे। तीन में तीन से भाग देंगे एक होगा, और एक में एक से गुणा करेंगे एक होगा, चार एक पाँच, पाँच बटे तीन। एच नंबर देखिए, एच नंबर में हम देखते हैं, देखिए इसके लिए हमें गुणा पहले करना पड़ेगा। चार में आठ से जो हम गुणा करेंगे तो चार बटे बत्तीस, और ऊपर वाली संख्या जोड़ देंगे तो चार बटे बत्तीस, बत्तीस में एक जोड़ देंगे तैंतीस, इसके बटे में चार है तो बटे में चार यहाँ पर लिख देंगे, ठीक है। माइनस के चिन्ह है, माइनस का चिन्ह दे देंगे। फिर उसी तरह छः में दो से गुणा करेंगे तो छः दूना बारह, और ऊपर वाली संख्या जोड़ देंगे, यानी छः में दो से गुणा करके और ऊपर वाली संख्या जोड़ देंगे तो छः दूना बारह, बारह पाँच सत्रह, बटे में छः है, छः को हम लिख देंगे। अब देखिए चार और छः अलग अलग हैं, हर असमान है, तो इसको हम एलसीएम निकाल लेते हैं। चार छः का एलसीएम, दो से कटाएंगे दो से दोनों कट जाएगा, दो दूना चार, दो तीन छः। अब दो तीन अलग अलग हो गए, कटने वाला नहीं है, तो इसको गुणा कर देंगे, दो गुणे दो गुणे तीन, ये दो यहाँ पर लिख दिए, फिर ये दो यहाँ पे और ये तीन यहाँ पे, दो दूना चार, चार तीन बारह, तो हमारा एलसीएम कितना आ जाएगा, चार और छः का बारह आ जाएगा। बारह में यदि हम चार से भाग देंगे तो तीन बार में कट जाएगा, चार तिहाई बारह। अब तीन में तैंतीस से गुणा कर देंगे तो तीन में तैंतीस से गुणा करेंगे तो तीन तिरिका नौ, तीन तिरिका नौ, माइनस है माइनस दे दिए, और छः दूना बारह, दो बार में कट जाएगा तो सत्रह दूना चौंतीस। अब देखिए इसको हम घटा देंगे, निन्यानवे में से चौंतीस घटाएंगे तो नौ में से चार घटाएंगे पाँच होगा, और नौ में से तीन घटाएंगे छः होगा, पैंसठ होगा, और यहाँ पे बारह होगा। क्या यह संख्या कटने वाला है, इसको अभी हम देख लेते हैं। यदि हम पैंसठ को कटाएंगे तो पाँच से कट जाएगा, पाँच ही तेरह बार में कटेगा, फिर बारह नहीं कटेगा, तो ही हमारा आंसर होगा पैंसठ बटा तेरह। इस तक हमारा कंप्लीट हो। फाइव नंबर सवाल बताएंगे, देखिए इसमें तीन अंक वाला है ये, तो तीन चार दो, तीनों का एलसीएम निकाल लेते हैं। तीन चार दो, इसमें दो ऐसे संख्या हैं जो दो से कटने वाला है, चार और दो दो से कटने वाला है, तीन नहीं कटेगा तो ऐसे ही लिख देंगे, दो दूना चार, दो एकम दो। अब देखिए इसको हम गुणा कर देंगे, दो गुणे तीन गुणे दो, एक को ऐसे ही छोड़ देंगे क्योंकि गुणा करने पर ऐसा ही हमारा संख्या सेम प्राप्त होगा। दो तीन दो, दो तीन दो, दो तीन ही छः, छः दूना बारह, यानी तीन चार दो कैल्शियम बारह आया। अब देखिए बारह में तीनों से बारह बारह से भाग देंगे, बारह में तीन से भाग देंगे चार आएगा, चार दूना आठ आएगा, प्लस का चिन्ह है, प्लस का चिन्ह दे देंगे। चार तिहाई बारह, तीन बार में तीन तिरिका नौ, प्लस है प्लस दे दिए। अब देखिए बारह में दो से भाग देंगे तो छः बार में कट जाएगा। अब छः में दो के ऊपर जो संख्या एक है, छः में एक से गुणा करेंगे तो छः कम
छः। देखिए 8, 9, 17, 8 और 9, 17, 17 और 6, 23, 23/12 ये हमारा आंसर हो जाएगा। ठीक है, तो आज तक हमारा संख्या पूरा कंप्लीट हो गया। जे नंबर देखते हैं, जे नंबर के लिए देखिए 3 में 1 से गुणा करेंगे तो 3 एकम 3 और 1 4, जैसे यहाँ पे हम लिख कर समझा देते हैं, 3 गुणे 1 ये 1, और ये जो गुणा किए हम 3 में 1 से, फिर ऊपर वाली संख्या जोड़ देंगे तो +1, बटे में 3 है यहाँ पे 3 हम लिख दिए, प्लस 3 गुणे ये 3, फिर +2, 3 में 3 से गुणा करके 2 को जोड़ देंगे। ठीक है, अब बटे में 3 आया। अब देखिए इसको हम बनाएंगे तो 3 में 1 से गुणा करेंगे तो 3 एकम 3 ही होगा, और 1 जोड़ देंगे तो 4/3, प्लस 3 3 का 9 और 2 11/3। अब देखिए 3 3 यहाँ पर जो दिया है हर एक समान है, तो यहाँ पर हम 3 लिख लेते हैं, और 11 4 कितना होते हैं 15, इसको यदि हम कटाएंगे तो आसानी से कट जाएगा 5 बार में, तो 5 आंसर हो जाएगा। इसको हम बनाएंगे तो 3 चौका 12, इसी प्रकार से 3 चौका 12 और 2 14/3, प्लस 4 3 12 1 13/4, 3 और 4 जो है वो हर असमान है, तो इसको हम गुणा कर लेंगे, 3 चौका 12 हो जाएगा। ठीक है, और 12 में यदि हम 3 से भाग देंगे, 3 चौका 12, 14 चौका 56, प्लस का चिन्ह है, प्लस का चिन्ह दे दिए, 4 3 12 और 13 3 39। ठीक है, अब इसको हम जोड़ देंगे, देखिए 9 6 15 का 5 और 5 3 8 और 1 9, 95/12। इसको हम कटाना यदि चाहेंगे तो यदि हम 3 से कटाएंगे तो 3 से सिर्फ 12 कटेगा, तो ये हमारा आंसर हो जाएगा। ठीक है, चलिए एल नंबर सवाल देखते हैं। देखिए 16/5 - 7/5 दिया है, इसको हम 5 और 5 को एलसीएम यदि निकालेंगे तो हर एक समान है, तो यहाँ पे 5 होगा, 5 में 5 से भाग देंगे 1 होगा, तो 1 में 16 से गुणा 16 होगा, माइनस का चिन्ह है, माइनस दिए, 5 में 5 से यदि हम भाग देंगे तो 1 होगा, 1 में 7 से गुणा करेंगे 7 होगा, 16 में से 7 घटाएंगे तो 9 होगा, और 5/2, तो यही हमारा आंसर हो जाएगा। यहाँ तक हमारा पूरा कंप्लीट हो गया। 2 नंबर सवाल में दिया है, किलीला ने 3/8 मीटर रबर का फीता खरीदा और सीमा ने 4/5 मीटर रबर का फीता खरीदा, दोनों ने कुल कितना फीता खरीदा। देखिए इसको हम ऐसे यहाँ पे बनाए हैं, किलीला ने 3/8 मीटर फीता खरीदा और सीमा ने इतना मीटर खरीदा, दोनों के पूछ रहे हैं कि कुल कितना खरीदा है, तो कुल के लिए दोनों को जोड़ देंगे, तो 8 और 5 का एलसीएम निकालेंगे तो 8 5 40 होगा, और इसको भाग देंगे 40 में, यदि 8 से भाग देंगे तो 5 बार में कटेगा, 5 3 15, प्लस का चिन्ह है, प्लस का चिन्ह दे दिए, और 5 8 है 40, 8 चौका 32, इन दोनों को जोड़ देंगे तो 5 2 7 3 1 4, 47/40 मीटर। इसको यदि हम पूर्णांक में निकालना चाहेंगे तो 47 में यदि हम 40 से भाग देंगे, देखिए जैसे समझने के लिए यहाँ पे हम बता देते हैं कि 47 में यदि हम 40 से भाग देंगे तो 40 एकम 40, घटाएंगे तो 7 होगा, तो 1 पूर्णांक 7/40, शेष जो संख्या होता है उसको ऊपर हम लिखते हैं, और ये 40 जो भाजक होते हैं इसको हम नीचे लिखते हैं, 40 में 1 से गुणा करेंगे तो 40 एकम 40, और ऊपर वाले संख्या को जोड़ देंगे तो 40 एकम 40 और 7, 47/40, 47/40, तो इसका हो जाएगा 1 पूर्णांक 7/40 मीटर। इसको ऐसे हम लिख सकते हैं। ठीक है, 2 नंबर तक हमारा कंप्लीट हो गया। 3 नंबर सवाल देखते हैं, तीन नंबर सवाल में दिया है, रिक्त स्थान भरिए, ए नंबर में दिया है 7/10 - 3/10। ठीक है, तो चलिए इसको हम बना कर देखते हैं, रिक्त स्थानों को भरिए, ए नंबर दिया है 7/10 - 3/10, इसमें इसको भरना है। देखिए बराबर के यदि इधर हम लाएंगे, 7/10 - 3/10 हो जाएगा, तो 10 और 10 एलसीएम 10 ही होगा, तो 7 में से 3 घटाएंगे कितना होगा 4, तो 4/10 हो जाएगा,
जैसे देखिए मैंने यहाँ पे इसको हम लिखा है कि 10 और 10 का एलसीएम 10 होता है, तो भाग देंगे तो इतना ही होगा 7 - 3, इसको यहाँ पर हम लिख लेते हैं 7 - 3 घटेंगे 4, 4 बटा 10, तो इस खंधा में इसको यहाँ पे हम 4 बटा 10 लिख देंगे। ठीक है, अब देखिए बी नंबर में दिया है, बी नंबर में हम आसानी से समझ लेते हैं। यहाँ पे जैसे बी नंबर में दिया है -3/21 इक्वल टू 5/21, इसमें इसको भरना है। ठीक है, देखिए 5/21 के बाद यदि हम इसको संख्या ले आएंगे 5/21 के बाद, यानी बराबर की जो बाद 3/21 जाएगा तो ये माइनस में है, और ये बराबर के बाद यदि जाएगा तो प्लस में हो जाएगा, यानी 5/21 + 3/21। तो इसको यहाँ पे हमने लिख दिया है कि 5/21 + 3/21। ठीक है, तो 21 एक समान है, तो यहाँ पर हम लिख लेते हैं 5 + 3, 5 × 3 = 8/21, तो 8/21 इसमें भर दिया जाएगा। ठीक है, चलिए सी नंबर में दिया है -3/6 = 3/6। अब देखिए -3/6 है और इसके बीच में बराबर दिया है, तो 3/6 को बाद यदि हम संख्या इसको हम यदि लाते हैं बराबर के बाद, यदि 3/-6 को इधर हम लाते हैं तो माइनस वाला प्लस हो जाता है। ठीक है, बराबर के बाद जब आते हैं इधर तो ये प्लस हो जाते हैं, 3/6 और ये माइनस वाला ये प्लस होकर 3/6 हो जाएगा। देखिए यहाँ पे हम लिखे हैं 3/6 + 3/6, तो 6 एलसीएम एक समान है, तो यहाँ पर हम लिख देंगे 3 + 3 यानी 6/6, इसको कटाएंगे तो 1 होगा, तो 1 इसमें हम इसमें 1 भर देंगे। ठीक है, डी नंबर देखते हैं, डी नंबर में देखिए इसमें प्लस दिया है, बाकी इन दोनों में माइनस दिए थे, इसमें प्लस दिए हैं 5/27 = 12/27। 12/27 है, इसके यदि हम बाद ये अंक लिखना चाहेंगे 5/27 वाला, तो बराबर के बाद यदि जाएगा तो ये प्लस में है, तो इधर आकर माइनस में हो जाएगा, यानी 12/27 और -5/27। तो देखिए इसको यहाँ पर हमने लिखा है 12/27 -5/27, एलसीएम एक समान है तो 27 लिख देंगे, और भाग देंगे तो 1 ही आएगा, गुणा करेंगे तो 12 आएगा -5, तो 12 में से 5 घटाएंगे कितना होगा 7/27 आंसर हो जाएगा, ये कटने वाला नहीं है। ई नंबर देखते हैं -5/8 = 1/4, तो देखिए 1/4 है, इसके बाद यदि संख्या हम -5/8 को लाएंगे बराबर के बाद, तो प्लस 5/8 हो जाएगा, यानी 1/4 ये +5/8, -16 + 5/8 हो जाएगा। तो यहाँ हम लिखे हैं 1/4 + 5/8, यदि इसको हम एलसीएम निकालेंगे 4 और 8 का, तो 8 ही आएगा, 2 से 2 दूना 4 और 2 चौके 8, फिर इसको हम कटाएंगे 2 एकम 2, 2 दूना 4, इसको हम गुणा करेंगे 2 × 2 × 2, 2 दूना 4 × 8 आएगा, तो 8 यहाँ पर हम लिख देते हैं। 8 में यदि हम 4 से भाग देंगे तो 2 बार में कटेगा, 2 एकम 2, प्लस का चिन्ह है, प्लस का चिन्ह दे दिए, 8 में 8 से भाग देंगे 1 हुआ, 1 में 5 से गुणा करेंगे 5 हुआ, तो 5 × 2 = 7, 7/8 ही हमारा आंसर हो जाएगा। ठीक है, एफ नंबर सवाल देखते हैं, तो एफ नंबर देखिए यहाँ पे दिया है 1/2 - 1/6, 1/2 - इसको कोष्टक में भरना है, बराबर के चिन्ह है 1/6, यदि इसको हम लाएंगे तो ये माइनस में हो जाएगा। ठीक है, देखिए इसके बीच जो है वह प्लस का चिन्ह छुपा रहता है। ठीक है, तो ये क्या हो जाएगा 1/2 और -1/6 होगा। ठीक है, तो यहाँ पे हम लिख दिए हैं 1/2 - 1/6, यदि इसको हम एलसीएम बनाना चाहेंगे 2 और 6 का, 2 एकम 2, 2 तिया 6 और 2 तिया 6, यानी 2 6 का एलसीएम 6 होगा, 6 में 2 से भाग देंगे 3 बार में, 3 एकम 3, माइनस का चिन्ह है, माइनस का चिन्ह दे दिए, 6 में 6 से भाग देंगे 1 बार में कटेगा, और 1 में 1 से गुणा करेंगे 1 होगा, 3 में से 1 घटाएंगे 2 होगा, 2/6, यदि इसको हम कटाएंगे तो 2 एकम 2 और 2 तिया 6, 1/3 ही हमारा आंसर हो जाएगा, 1/3। ठीक है, तो क्वेश्चन हमारा 3 तक यहाँ तक पूरा कंप्लीट हो गया। अब 4 नंबर सवाल देखते हैं, देखिए यह भी सवाल आसान है, 4 नंबर दिया है कि तालिका को पूरा कीजिए, इसमें 2/3 + 4/3, देखिए ये जो एरो का निशान दिया है, यदि इस तरह हम चलेंगे तो प्लस करेंगे और इस तरह नीचे हम चलेंगे तो माइनस करेंगे, तो इस तरह हम चलेंगे तो प्लस पर प्लस कैसे हम करेंगे इसको हम बनाकर समझते हैं। देखिए जैसे
जैसे हम प्लस करते हैं तो 2/3 और 4/3 को प्लस करके हम देख लेते हैं कॉपी में। 2/3 प्लस 4/3, हम सभी जानते हैं कि तीन तीन जो संख्या है एक समान है, तो इसको हम ऐसे लिख देंगे, भाग देंगे तो एक ही आएगा, तो 2 और 4 यहाँ पर लिख देते हैं। 2 और 4 कितना होगा, 6/3 कटाएंगे तो 3 × 2 = 6 होगा, ठीक है। 2 और 4 = 6, 6/3 = 2, तो 2 यहाँ पे हम इसमें 2 लिख देंगे, ठीक है। फिर उसी प्रकार यदि हम इस तरह चलेंगे तो 1/3, 2/3 दिए थे, 3 3 एक समान है, तो यदि इसको हम प्लस करेंगे तो 3 यहाँ पर हम यदि लिख देंगे तो 2 2 और 1 3 होगा, तो 3 और 3 को कटाएंगे तो 3 × 1 = 3, 1 हो जाएगा, ठीक है। अब देखिए, अब इसको हम ऐसे बना लेते हैं, 2/3 और 1/3, यदि हम नीचे की तरफ आएंगे तो माइनस होगा, तो पहले इसको हम समझ लेते हैं। कॉपी में लिखते हैं 2/3 और -1/3, ये 2/3 और -1/3, यहाँ देखिए समझते हैं, जैसे 2/3 - 1/3, तो 3 3 एक समान है, यहाँ पे हम 3 लिख दिए, और 2 - 1 लिख देंगे, तो 2 में से 1 घटाएंगे 1 होगा, और 1/3 होगा, तो 1/3 यहाँ पर हो जाएगा 1/3, यानी इन दोनों का मान 1/3 है। अब देखिए 4/3 या 2/3, 3 3 एक समान है, जिस तरह इसको हम बनाएं तो यहाँ पर हम 3 लिख देंगे, और 4 में से यदि हम 2 घटाएंगे, इस 4 में से इस 2 घटाएंगे, तो 4 में से 2 घटाएंगे तो कितना होगा, 2 2/3 हो गया, ठीक है। अब देखिए ये खंधा बच रहा है, तो ये खंधा बच रहा है, तो हम इसको कैसे हल करेंगे, तो इसको हम ऐसे हल कर सकते हैं, 1/3 2/3, ठीक है। तो यदि हम ऐसे चलेंगे, तो ऐसे यदि हम चलेंगे तो प्लस करेंगे, 3 3 का एलसीएम 3 होता है, एक समान है एलसीएम तीनों, दोनों 3 3, तो 2 और 1 जोड़ देंगे, 2 और 1 कितना होता है, 3, 3 और 3 को हम कटाएंगे तो 1 हो जाएगा। ये हमारा सारणी पूरा हो गया। अब इसको हम देखते हैं, देखिए इसमें 2 और 3 दिए हैं, अलग अलग दिए हैं, तो इसको हम जोड़ कर देखते हैं। पहले देखिए इन दोनों को हम पहले बना लेते हैं, 1/2 और 1/3, इस तरह यदि हम चलेंगे इस तरह, तो इसको हम जोड़ेंगे, 1/2 प्लस 1/3 जोड़कर हम देख लेते हैं। यहाँ पर इसको हम लिख दिए 1/2 1/3, 2 3 का एलसीएम कितना होता है, 6 होता है, 2 और 3 कटेगा नहीं, तो गुणा कर देंगे, 2 3 6 6 में 2 से भाग देंगे तो 3 आएगा, 3 में 1 से गुणा करेंगे 3 होगा, प्लस का चिन्ह है, प्लस का चिन्ह दे दिए, 3 2 6 2 1 2, 3 2 5 5/6। अब इसको भी हम यहीं पर बना लेते हैं, नीचे जो दिया है 1/3 और 1/4, ये वाला है 1/3 1/4, इसको हम प्लस करेंगे, देखिए इसका हम यदि जोड़े तो मान आए हमारा 5/6, यहाँ पर लिख ही देते हैं 5/6। अब इसको यदि हम बनाएंगे 1/3 प्लस 1/4, ऐसे यदि हम चलेंगे, देखिए यहाँ पर हम लिखे हैं 1/3 1/4, तो 4 3 12 होगा, यह दोनों संख्या कटेगा नहीं, तो एलसीएम 12 होगा, तो 3 4 12, 4 प्लस 4 3 12, 4 3 7 7/12 हो जाएगा, तो 7/12 यहाँ पर हम लिख देते हैं, 7/12, ठीक है। अब देखिए ये हमारा खंधा इस तरह पूरा हो गया। अब नीचे की तरफ हम यदि चलेंगे तो माइनस करेंगे, 1/2 में से 1/3 घटाएंगे, यहाँ पर हम लिखते हैं 1/2 - 1/3, तो 2 3 का एलसीएम 6 होता है, तो 6 में 2 से भाग देंगे 3 होगा, 1 में गुणा करेंगे तो 3 - 3 2 6, 3 में से 2 घटाएंगे 1, नीचे 6 1/6, तो इसको हम यहाँ पर लिखते चलते हैं कि इन दोनों को यदि हम माइनस किए तो 1/6 आया, ठीक है। अब 1/3 1/4 इसको भी बना लेते हैं, 1/3 - 1/4, 4 3 के एलसीएम 12 होता है, तो 3 4 = 12 माइनस 4 3 12, 4 में से 3 घटेंगे 1 होगा, और 1/12 हो जाएगा, 1/12 यहाँ पर इसको हम लिख देंगे, ठीक। अब देखिए
अब इस तरह हमें चलने के लिए प्लस करना पड़ेगा, ये दो अंक आ गया। यदि इस तरह हम चलेंगे तो हमको क्या करना पड़ेगा, प्लस करना पड़ेगा। तो 6 और 12 के एलसीएम कितना होता है, 12 होता है। तो 12 यहाँ पर हम लिख दिए। अब देखिए 12 में यदि हम 6 से भाग देंगे, इसको हम यहाँ पर बना लेते हैं, 1/6 और 1/12, 1/6 प्लस 1/12, 12 6 का एलसीएम 12 होता है। तो 6 × 12 2 प्लस 12 × 12 1, 2 और 3 2 और 1 3, 3/12 3 × 4 12 4 बार में यह पूर्णतः कट जाएगा, यानी 1/4 3 × 3 3 × 4 12 1/4, ठीक है। यहाँ पर होगा 3/12 यदि इसको हम कटाएंगे तो 1/4 आ जाएगा, ठीक है। 5/6 7/12 1/4, तो यहाँ तक हमारा 4 तक पूरा कंप्लीट हो गया। अब आगे सवाल देखते हैं। देखिए 5 नंबर सवाल समझते हैं, 4 नंबर तक हमारा कंप्लीट हो गया। 7/8 मीटर तार के 2 टुकड़े हो जाते हैं, ठीक है। इसमें से एक टुकड़ा 2/4 मीटर है, दूसरे टुकड़े की लंबाई क्या है। देखिए कुल तार कितना है, 7/8 मीटर, और इसमें से बोला है कि 7/8 मीटर में से 2/4 मीटर एक टुकड़ा हो जाता है। इसमें से एक टुकड़ा जो है वह 2/4 मीटर है, तो दूसरा टुकड़ा हमें ज्ञात करना है। तो दूसरा टुकड़ा के लिए क्या करना पड़ेगा, 7/8 में से 2/4 घटा देंगे तो दूसरे टुकड़े का मान लंबाई निकल जाएगा। देखिए यहाँ पर हम इसको लिखे हैं, आप यहाँ पर आसानी से समझ सकते हैं। कुल तार कितना है, 7/8, इसमें से इसका एक टुकड़ा है 2/4 मीटर, तो दूसरे टुकड़े की लंबाई ज्ञात करनी है। तो दूसरे टुकड़े के लिए हम क्या करना पड़ेगा, घटाना पड़ेगा, 7/8 माइनस 2/4 मीटर। तो इसको हम भिन्न का घटाव बनाएंगे तो 3/8 आएगा, तो 3/8 हमारा आंसर हो जाएगा। एक टुकड़ा हो गया 2/4 मीटर और दूसरा टुकड़ा हो गया 3/8 मीटर, ठीक है। यह दोनों क्या है, कुल तार का एक और दूसरा भाग है, ठीक है। अब चलिए 6 नंबर सवाल देखते हैं। रश्मि का घर उसके विद्यालय से 9/10 किलोमीटर दूर है। वह कुछ दूर पैदल चलती है और फिर 1/2 किलोमीटर की दूरी बस द्वारा तय करके स्कूल पहुंचती है। वह कितनी दूरी पैदल चलती है। देखिए उसके घर से, रश्मि के घर से स्कूल का जो दूरी है, विद्यालय का दूरी है, वह कुल दूरी कितना है, 9/10 किलोमीटर। 9/10 किलोमीटर दूरी पूरा करने के लिए कुछ दूर पैदल चलती है, कुछ दूर बस से चलती हैं। तो जो बस से चलती है वह 1/2 किलोमीटर, यानी हाफ किलोमीटर, आधा किलोमीटर दूरी तय करती है, ठीक है। बस कितना दूरी तय करती है, 1/2 किलोमीटर, यानी हाफ किलोमीटर। अब इसके बाद पूछ रहे हैं कि इसके बाद जो पैदल वह चलती हैं, बस से दूरी करके जो पैदल चलती हैं, तो पैदल चलने वाली दूरी कितनी है, वह कितनी दूरी पैदल चलती हैं। सिर्फ पैदल वाली दूरी हमें ज्ञात करनी है। 9/10 मीटर में से 1/2 मीटर किलोमीटर घटा देंगे, ठीक है। देखिए यहाँ पर हम लिखे हैं, रश्मि के घर से विद्यालय की कुल दूरी 9/10 किलोमीटर है। रश्मि द्वारा बस से तय की गई दूरी 1/2 किलोमीटर है। रश्मि द्वारा पैदल तय की गई दूरी, तो 9/10 में से 1/2 घटा देंगे, ठीक है। तो घटाएंगे तो हमारा कितना आएगा, 4/10 किलोमीटर, यानी जो पैदल दूरी तय करती हैं बस के बाद से, वह कितना है, 4/10 किलोमीटर, ठीक है। चलिए 7 नंबर सवाल देखते हैं। करीना स्कूल के मैदान का चक्कर 3.5 मीटर में लगाती है और कमलेश इसी मैदान का चक्कर इतना मीटर में मिनट का समय लेता है, कौन कम समय लेता है और कितना। देखिए इसको यहाँ पर मैंने बनाया है कि जैसे करीना द्वारा स्कूल के चक्कर लगाने में लगा समय 3.5 मीटर, तो इसको यदि हम पूर्णांक तोड़ेंगे तो 5 × 3 = 15 = 16/5 मिनट हो जाएगा, ठीक है। कमलेश द्वारा इसी स्कूल के चक्कर लगाने में लगा समय 12/5 मिनट, कम समय तो क्या हो जाएगा, जैसे 16/5 मिनट और 12/5 मिनट, ठीक है। देखिए तो कम समय कौन लेता है, 16/5 और 12/5, यदि इसको हम मल्टीप्लीकेशन करेंगे क्रॉस, तो 16/5 = 80 होगा, यहाँ समझाने के लिए यहाँ पर लिखते हैं, और 12/5 = 60 होगा। तो बड़ा कौन है, 16/5, तो 16/5 बड़ा है। अब देखिए सवाल क्या कह रहे हैं यह समझते हैं।
कि करीना स्कूल के मैदान का चक्कर इतने मिनट में लगाती है और कमलेश इसी मैदान का चक्कर इतने मिनट में इतने मिनट का समय लेते हैं, कौन कम समय लेता है और कितना, कौन कम समय लेता है, तो कम समय कौन लेता है, इसमें कम कौन है, कम हम जानते हैं कि ये 80 वाला है और ये 60 वाला है, 12/5, तो 12/5 किसका है, कमलेश का है, कमलेश जो है वह कम समय लेता है, 12/5 जो है कमलेश का है, तो यहाँ पर हम लिखे हैं कि कमलेश कम समय लेता है और कितना कम समय लेता है, यदि कितना कम समय कहेगा तो घटा देंगे, कम के लिए घटा देंगे, तो 16/5 में से 12/5 घटा देंगे, ये जो हर है एक समान है, 5 है, तो 16 में से 12 घटा देंगे, 4/5 कमलेश कितना कम समय ले रहे हैं, तो 4/5 मिनट का कम समय ले रहे हैं। तो 7 नंबर तक हमारा सवाल कंप्लीट हो गया। तो दोस्तों यदि आपको यह वीडियो अच्छी लगी हो तो प्लीज़ हमारे चैनल को आप सभी लाइक करें और सब्सक्राइब करें। आप सभी को धन्यवाद।